गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको गुलदाउदी की रिपोर्टिंग करना सिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ गुलदाउदी के पेड़ मेरे पिछले साल के हैं जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। आप देखेंगे ये गमले में ही लगे हुए थे, लेकिन मैंने इनको काफ़ी हिफाजत से रखा और शेड में करके ये रखा, और इनका प्रॉपर पानी और पेस्टिसाइड और खाद वगैरह इनको टाइम टाइम पे देता रहा, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे हरे भरे हैं। अभी जबकि गुलदाउदी का सीज़न लगभग शुरू ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये काफ़ी हरे भरे और काफ़ी बड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं सारे पेड़ लगभग मेरे काफ़ी अच्छे बड़े हुए हैं, लेकिन अब इनकी ज़रूरत है कि इनका रिपोर्टिंग किया जाए और इनकी प्रूनिंग भी की जाए, साथ में इनसे कटिंग निकाले जाए। क्योंकि गुलदाउदी में एक है, जितनी आप पिंचिंग जितनी आप कटिंग करेंगे उतना नई ब्रांचेस पे ये ज़्यादा भर के इसमें फूल आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि सावधानी से इसको गमले से निकाल लिया है हमने पूरे पेड़ को, और अब जो इसकी थोड़ी मोटी जड़ें हैं वो हम थोड़ी थोड़ी छांट देंगे, और जिससे कि इसमें नई खाद के साथ थोड़ा इसको दोबारा पॉट में हम लगा सकें तो ये पेड़ ज़्यादा और ग्रो करेगा। क्योंकि आप देखेंगे नई नई नीचे से भी इसमें कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ऊपर तो काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी ये हम लोग का स्पेशल तेजस्विटा मिक्सचर है सीजनल फ्लावर्स के लिए, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। अमूमन हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम खाली काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो हमारा पेड़ अच्छा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सिर्फ नाइट्रोजन देने का काम करती हैं। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाती है, बाकी चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन उतनी पर्याप्त मात्रा में पौधे को नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें और भी जो पोषक तत्व हैं वो इसमें मिलाए जाएँ, और ये पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी हमने और केमिकल नहीं मिलाया है। तो आप देख सकते हैं इसे पॉट में, क्योंकि पुराने पेड़ हैं हमारे, इसलिए हम इसमें सीधे नीचे थोड़ी सी कत्तल लगा दी है हमने, जो गिट्टी होती है, और उसके बाद अब इस पौधे को रखेंगे, थोड़ा सा नीचे दब जाए जिससे कि ये आप देखेंगे नीचे से छटाई करने से जो उसकी मिट्टी थी वो हट गई है और ये थोड़ा दब गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में ऊपर से ये खाद जो हम लोग का स्पेशल है वो इसमें मिक्स कर दी जाएगी। आपके ऐसे बड़े पौधे हैं या इतने बड़े नहीं भी हैं, थोड़े छोटे हैं, जैसे कि इन छोटे छोटे पॉट्स में आप देख सकते हैं, तो आप उनको भी अगर एक बार किसी तरह निकाल करके उनकी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। ये तो अभी हमने रिपोर्टिंग आपको एक गमले की करके दिखा दी, ऐसे सारे गमले की होगी। आगे प्रूनिंग कैसे करेंगे या कटिंग कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारे आगे वीडियो देखते रहिए, और नीचे बेल आइकॉन को प्रेस करके हमको सब्सक्राइब करिए तेजस्विटा एंड उद्यान डेवलपर्स, इसी तरीके की जानकारी और वीडियो के लिए। धन्यवाद।